वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्ट रूम। आज हम NISM सीरीज 8 का मॉक टेस्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ओके, बट मॉक टेस्ट नंबर 5 सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर माय फर्स्ट 200 सब्सक्राइबर। थैंक्स कि आप लोगों ने रियली अप्रिशिएट किया है मुझे। आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज़ इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एंड मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ग्रो होने में, तो आप भी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ग्रो होने में। एंड ठीक है, डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 5। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय, जो मार्जिन्स होती है फ्यूचर ट्रेडिंग में वो कौन पे करता है? या हम बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बोथ बायर एंड सेलर, जो बायर और सेलर दोनों होते हैं जो पोजीशन बिल्डअप करते हैं, उन दोनों को ही मार्जिन पे करना पड़ता है टू ओपन अ न्यू पोजीशन। हाउ कैन प्री रिस्क बी कंट्रोल्ड इन द डेरिवेटिव सेगमेंट बाय द स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से जो डेरिवेटिव से रिस्क रिलेट होती है ना, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जो रिस्क रिलेट रहती है उसको कैसे कंट्रोल करता है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। बाय इम्प्लीमेंटिंग अ इफेक्टिव मार्जिन सिस्टम, एक इफेक्टिव मार्जिन सिस्टम बना के, बाय हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल सिस्टम एंड ऑडिट प्रोसीजर, एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम और ऑडिट प्रोसीजर बना के, बाय पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ मेंबर्स पोजीशन, यानी कि जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं या क्लियरिंग मेंबर्स हैं तो उनकी जितनी भी पोजीशंस क्रिएट हो रही है मार्केट में उनका पीरियोडिक इवैल्यूएशन करते हैं कि। सो आई थिंक कि सारे ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये सबको इम्प्लीमेंट करके और प्रैक्टिस में लाके जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डेरिवेटिव से रिलेटेड रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बीटा ऑफ वन मीन्स? बीटा ऑफ वन का मीनिंग क्या होता है? वन मोर थिंग, मैं शायद तक आप लोगों को मे बी स्किप हुआ है ये वाला भी। जो बीटा वन होता है, ठीक है, तो निफ्टी का भी जो बीटा रहता है, निफ्टी का बीटा ऑलवेज वन होता है। तो अगर आपको कहीं पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि बीटा ऑफ निफ्टी इज इक्वल्स टू, और ऑप्शन में आपको एक जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो वन मिलेगा, तो ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए कि जो निफ्टी के लिए जो बीटा रहता है वो ऑलवेज वन होता है, कोई भी पॉइंट नहीं होता है। ओके, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट डज बीटा ऑफ वन मीन्स, मतलब बीटा वन का मीनिंग क्या होता है? बीटा वन का मीनिंग सिंपल होता है कि जो परसेंटेज चेंज हुआ है स्टॉक पोर्टफोलियो में या स्टॉक प्राइस में वो इक्वल होता है परसेंटेज चेंजिंग इंडेक्स। ओके, सो अब ये फोर जो डेफिनेशंस, मतलब फोर जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमको, इनमें से हम चेक करेंगे कि इसको कौन सा रिलेट करता है। तो फर्स्ट वन है, इट मीन्स दैट द एक्सपेक्टेड परसेंटेज इन स्टॉक विल बी मोर देन द परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्टॉक प्राइस में चेंज आएगा वो ज्यादा होगा इंडेक्स प्राइस के चेंज से। तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो जाता है ना, ये गलत है। देन सेकंड, इट मीन्स दैट द एक्सपेक्टेड परसेंटेज इन स्टॉक प्राइस विल बी ट्वाइस द परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो स्टॉक प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, 2x रहेगा परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स के। दैट मीन्स ये वाला भी रॉन्ग है। थर्ड वन, इट मीन्स दैट द एक्सपेक्टेड परसेंटेज इन स्टॉक प्राइस विल बी लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स। मतलब जो स्टॉक प्राइस में चेंज आएगा वो कम होगा परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स। तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट, इट मीन्स दैट द एक्सपेक्टेड परसेंटेज इन स्टॉक प्राइस विल बी इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितना स्टॉक प्राइस में परसेंटेज चेंज आएगा उतना ही इंडेक्स में परसेंटेज चेंज रहेगा। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो
करेक्ट ऑप्शन है, आंसर डी इज करेक्ट कि इट मींस दैट द एक्सपेक्टेड परसेंटेज इन स्टॉक प्राइस विल बी इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स, यानी कि बीटा ऑफ वन का मीनिंग क्या होता है कि परसेंटेज चेंज जो स्टॉक प्राइस रहेगा और जो इंडेक्स रहेगा वो इक्विवेलेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज बाय अ पोजिशन इन स्टॉक, एक पर्सन जिसने कि स्टॉक में पोजीशन ली हुई है, हाउ कैन ही कवर हिज लॉन्ग पोजीशन इन अ स्टॉक, तो वो अपनी लॉन्ग पोजीशन कैसे कवर करेगा स्टॉक में। ठीक है, फॉर सपोज उसने बाय किया है कोई भी स्टॉक, है ना, हम ले लेते हैं कि उसने बाय किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब इस पोजीशन को उसको कवर करना है तो वो कैसे करेगा, ये जो उसने इक्विटी में परचेसिंग कर रखी है इस इक्विटी को वो सेल कर देगा तो पोजीशन क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, राइट right? मतलब कि सेम स्टॉक को सेल कर देगा वो तो पोजीशन कवर, कवर करने का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ बोल सकते हो आप, या यहाँ पर बुकिंग बोल सकते हो कि उसने क्या कर लिया है, ऑर्डर बुक कर लिया है अपना, ऑर्डर उसने जो भी बाय या सेल किया था तो उसको बुक कर दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बाय सेलिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ इक्वल क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी उसने इस स्टॉक का लिया था उतना ही क्वांटिटी किसी और सिक्योरिटी का ले लिया, मतलब उसने लिया SBI था पर सेल कर सकता है वो कोई भी उस स्टॉक, मतलब वो PNB पंजाब नेशनल बैंक सेल कर देगा तो पोजीशन कवर हो जाएगी, तो ये तो रॉन्ग है ना। नेक्स्ट, बाय सेलिंग एनी इंडेक्स स्टॉक ऑफ इक्वल क्वांटिटी, किसी भी इंडेक्स स्टॉक को सेल कर देगा सेम क्वांटिटी जितना उसने ये SBI स्टॉक बाय किया था उतना, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड वन, बाय सेलिंग द सेम स्टॉक एंड द सेम क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी उसने इस स्टॉक की ली थी तो सेम क्वांटिटी और सेम स्टॉक को विद सेम क्वांटिटी वो सेल कर देगा तो वो पोजिशन कवर हो जाएगी, तो ये आंसर ट्रू है कि ये जितना जो भी उसने स्टॉक परचेस किया था इसी को ये सेल करेगा और विद सेम क्वांटिटी, मतलब ये तो ऑब्वियस है कि क्वांटिटी जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, जितना उसने यहाँ पर अगर 100 क्वांटिटी बाय किया है तो 100 ही उसको सेल करना पड़ेगा तो पोजीशन उसका कवर हो जाएगा। फोर्थ भी हम पढ़ लेते हैं, बाय सेलिंग एनी ग्रुप स्टॉक ऑफ इक्वल क्वांटिटी, किसी भी ग्रुप ऑफ स्टॉक को सेल कर देगा सेम इक्वल क्वांटिटी का तो भी कवर हो जाएगी पोजीशन, तो ये भी रॉन्ग है। अगर आपको पोजीशन कवर करनी है तो आपको सेम स्टॉक और सेम क्वांटिटी को सेल करना होगा, देन ऑनली आपका सेम पोजीशन कवर होगा। अगर यहाँ पे फॉर सपोज हमसे हेज के लिए पूछा होता तो फिर हम क्या बोलते कि वो इंडेक्स को सेल करेगा, बट यहाँ पर कवर करने के लिए पूछा था तो दैट्स व्हाई सेलिंग द सेम स्टॉक एंड सेम क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीटिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय अ ट्रांजेक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। अब देखिए ये बहुत लाइक सिंपल है ना, बट इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की है वो थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज यूज की है। सबसे पहले तो आपको नीटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए कि नीटिंग का मीनिंग क्या होता है, या फिर मोस्ट प्रोबेबल वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है नीटिंग ऑफ। ओके, सो नीटिंग ऑफ का मीनिंग क्या होता है या नीटिंग का मीनिंग क्या होता है, नीटिंग का मतलब ये होता है कि कोई पार्टी ए है ना और कोई पार्टी बी है। ठीक है, पार्टी ए ने बाय किया है पोजीशन और पार्टी बी ने सेल किया है पोजीशन, तो हम इन दोनों की पोजीशन को क्या कर देते हैं, आपस में नीट ऑफ कर देते हैं। नीट ऑफ करने का मतलब कि हम इन दोनों की पोजीशन को ये मानते हैं कि ये वन ट्रेड क्लोज हो चुका है ना, बट ऐसा स्टॉक मार्केट में अलाउ नहीं है, नीट ऑफ काइंड ऑफ कंडीशन आप नहीं लेके चल सकते हो, ऑलवेज आपको ये नंबर ऑफ पोजीशन, जो भी पार्टी ए की पोजीशन है वो अगर उन्होंने बाय किया है तो जब पार्टी ए सेल करेगी तो देन ऑनली आप इसको कंसिडर करोगे वन ट्रेड, है ना, और अगर कोई पार्टी बी है जिन्होंने पहले सेल की है पोजीशन और वो वापस से अपनी पोजीशन को बाय करती है तो देन आप इस पोजीशन को कंसिडर करोगे एज अ वन ट्रेड,
एज अ कंप्लीट ट्रेड और स्क्वायर ऑफ पोजीशन, है ना। तो आप ये दो अलग-अलग पार्टीज की पोजीशंस को नीट ऑफ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या दे रखा है कि नीटिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय द ट्रांजैक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है ना, आप उसको टर्मिनेट कर देते हो उसके साथ का जो इक्वल ट्रांजेक्शन रहेगा। मतलब किसी पार्टी ए ने बाय किया है और किसी पार्टी बी ने सेल किया है, तो ये दोनों अगर इक्वल ट्रांजेक्शन है, मतलब यहाँ पे भी 500 क्वांटिटी बाय हुई है, यहाँ पे 500 क्वांटिटी सेल हुई है, रिलायंस के स्टॉक पे हुआ है, रिलायंस के स्टॉक पे हुआ है, तो आप इन दोनों को आपस में नीट कर दोगे। तो सबसे पहला तो ये फर्स्ट लाइन ही गलत है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नीटिंग प्रोसेस यूज नहीं की जाती है, नॉट इन यूज, इसको यूज में नहीं लिया जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर आपको कंप्लीट मीनिंग समझना है तो जो दो पार्टीज रहती है अलग अलग, उनकी आपस की पोजीशन को नीट ऑफ कर दिया जाता है आपस में, उसको क्या समझ लिया जाता है कि ये एक ट्रेड कंसीडर कर लिया जाता है। तो ऐसा कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करते हैं। पार्टीज ए के कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट रहेंगे, पार्टी बी के कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट रहेंगे और उनसे उसके अकॉर्डिंगली इनिशियल मार्जिन लिया जाएगा। अगर पार्टी ए बाय करती है तो पार्टी ए को ही अपनी पोजीशन सेम क्वांटिटी सेम स्टॉक सेल करना पड़ेगा, देन वी कंसीडर दिस एज अ कंप्लीट ट्रेड और स्क्वायर ऑफ पोजीशन। और सिमिलरली पार्टी बी यदि सेल करती है फर्स्ट, तो पार्टी बी को ही सेम स्टॉक और सेम क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी, देन वी कंसीडर दिस एज अ वन ट्रेड और अ कंप्लीट ट्रेड और स्क्वायर ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो नेटेड ऑफ का काइंड ऑफ कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलर और राइटर ऑफ एन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू पे इनिशियल मार्जिन फॉर एंटरिंग इनटू द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन दिस शोन इन द बैलेंस शीट। अब जो ऑप्शन सेलर या राइटर रहता है उसको इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड होती है अगर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है। तो दिस ये पूरा स्टेटमेंट तो ट्रू है कि हाँ, उसको इनिशियल मार्जिन अट्रैक्ट होता है ऑप्शन राइटर को, वो इनिशियल मार्जिन पे करता है, देन ओनली ही पुट द पोजीशन और ही टेक द पोजीशन। वेयर इज दिस शोन इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में ये जो सेल किया है ऑप्शन को कहाँ पे शो कर दिए, अंडर करंट असेट, अंडर लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड असेट और फिक्स्ड लाइबिलिटी। अब सबसे फर्स्ट ये जो इनिशियल मार्जिन पे किया है ना, तो ये इनिशियल मार्जिन वो कितना पे करता है, जितना फ्यूचर में मार्जिन लगता है उतना। ठीक है, अब फॉर सपोज हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो ऑप्शन राइटर रहता है वो प्रीमियम को रिसीव करता है, राइट, ये प्रीमियम को क्या करता है, रिसीव करता है। तो ये जो इनिशियल मार्जिन पे किया हुआ है ये एक्स्ट्रा फंड है जो कि एक्सचेंज ने एज अ रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज जो ऑप्शन राइटर रहता है इसका जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड रिस्क रहता है, या मैक्सिमम रिस्क कितना रहता है, जितने का उसने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है ना, उतना वो प्रीमियम मूव कर सकती है। ठीक है, तो ये जो इनिशियल मार्जिन स्टॉक एक्सचेंज ने लिया है ये एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर हम क्लाइंट या फिर ब्रोकर के हैंड पे देखें तो ये कहाँ पर जाएगा, एज अ करंट असेट। मतलब वो क्या है, अभी हाल फिलहाल में करंट असेट है। अगर फॉर सपोज यहाँ पे कुछ लॉस कंडीशन बनती है क्लाइंट की, है ना, तो वो ये करंट असेट में से क्या कर ली जाएगी, माइनस कर दी जाएगी। इफ फॉर सपोज प्रॉफिट कंडीशन बनेगी तो जब भी वो पोजीशन को क्लियर करेगा तो ये इनिशियल मार्जिन एज अ करंट असेट लिया हुआ था तो रिलीज कर दिया जाएगा और प्लस प्रॉफिट उसको रिलीज हो जाएगा। तो आप ऑलवेज ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो इनिशियल मार्जिन है वो करंट असेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Is it is true that a buyer of call option cannot lose more than the option premium paid? मतलब कि जो buyer होता है call option का, वो जितना premium pay करता है, maximum जो यहाँ पे उसका loss बोल रहे हैं कि
कॉल बायर का जो मैक्सिमम लॉस होता है वो इक्वल्स टू प्रीमियम होता है, तो ये किस ट्रू ऑनली, ट्रू ओनली फॉर यूरोपियन, अमेरिकन, ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑप्शन और फॉल्स फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑप्शन. तो ये जो बायर होता है, बायर के लिए ये ऑल टाइप ऑफ ऑप्शन के लिए ट्रू स्टेटमेंट है, नॉट इवन कॉल ऑप्शन. इवन अगर यहाँ पे पुट ऑप्शन भी लिखा हुआ आ जाता है तो जो मैक्सिमम लॉस होता है बायर ऑफ पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, उनको मैक्सिमम जितना उन्होंने प्रीमियम पे किया है बस उतना ही लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इच इन्वेस्टर हु विश टू ट्रेड इन द डेरिवेटिव सेगमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई मिनिमम नेट वर्थ कंडीशन, स्टेट ट्रू और फॉल्स. मतलब यदि कोई भी इन्वेस्टर जो है अगर वो डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करना चाहता है तो उसको नेटवर्थ कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अगर कोई भी इन्वेस्टर अपना डेरिवेटिव सेगमेंट स्टार्ट करना चाहता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, अगर आप लोगों का डीमैट अकाउंट होगा तो आपको ये चीज पता होगी कि अगर हम हमारे ब्रोकर को बोलते हैं कि हमको डेरिवेटिव स्टार्ट करना है तो ब्रोकर बोलता है कि सर आपका पैन कार्ड, आपकी 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट और आपकी सैलरी स्लिप लेटेस्ट मंथ की और ITR, इन तीनों में से आप किसी भी एक चीज की कॉपी मुझे भेज दीजिए, प्लस उनका कुछ एक्टिवेशन फॉर्म होता है. तो वो आजकल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, OTP बेस पे प्रोसेस कर दिया जाता है और डेरिवेटिव सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है, बट जो मेन प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है कि एक्टिवेशन फॉर्म, पैन कार्ड, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप और ITR आपका ब्रोकर आपसे लेता है एंड देन ओनली आपको अलाउ करता है डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए. अगर आप इनमें से कोई भी चीज नहीं देते हैं या फिर फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आप डेरिवेटिव्स में एक्टिव नहीं हो सकते हैं, एज अ इन्वेस्टर आप वहां पर ट्रेड नहीं कर सकते. अब यहाँ पे क्या कोई मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मिनिमम आपकी ईयरली 1 लाख की या 2 लाख या 3 लाख, ऐसा कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है. आपकी कितनी भी इनकम रहने दीजिए, आपकी 10,000 रुपये सालाना इनकम रहने दीजिए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, बट आपका पैन नंबर एक्चुअल होना चाहिए. अगर आपका पैन नहीं है तो विदाउट पैन यू आर नॉट अलाउड टू डू डेरिवेटिव ट्रेडिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नेटवर्थ फॉर क्लियरिंग मेंबर ऑफ द डेरिवेटिव क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हाउ शैल बी. तो मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए एक क्लियरिंग मेंबर के लिए, तो ये आपको बिल्कुल क्या बोलना चाहिए कि रट लेना है या कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए कि ये होता है 3 करोड़ और 300 लाख, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है. तो मिनिमम नेटवर्थ क्लियरिंग मेंबर का, हाँ ट्रेडिंग मेंबर का नहीं, ट्रेडिंग मेंबर की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे. ट्रेडिंग मेंबर का आई थिंक 100 लाख 1 करोड़ का होता है, मे बी, मुझे अभी ध्यान अच्छे से याद नहीं है बट उतना ही होता है, 100 लाख 1 करोड़, यस इतना ही होता है. बट यहाँ पे क्लियरिंग मेंबर का पूछा है तो उनका होता है 3 करोड़ और 300 लाख, तो आई थिंक यहाँ पर कोई भी नहीं है ऑप्शन में, तो नॉन ऑफ दी अबव आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेड डन बाय द डीलर इन देयर ऑन अकाउंट हैज टू बी टोटली सेग्रीगेटेड फ्रॉम द ट्रेड डन इन देयर क्लाइंट्स अकाउंट, ट्रू और फॉल्स. मतलब डिफरेंटली उनको लिया जाता है, सेम जिस तरीके से क्लाइंट के अकाउंट में ट्रेड डालते हैं वैसे ही आप अपने खुद के पर्सनल अकाउंट में ट्रेड नहीं डाल सकते, तो दिस वन इज ट्रू. आप अपने टर्मिनल के थ्रू ट्रेड नहीं डाल सकते हो, आप ऑनलाइन सिस्टम यूज कर सकते हो या अपने किसी कलीग के थ्रू आप ऑर्डर पंच कर सकते हो अपने पर्सनल अकाउंट में, प्लस आपको कंप्लायंस भी फॉलो करना पड़ता है, तो आंसर यहाँ पर ट्रू आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ ब्रोकर टेक एनी अमाउंट ऑफ एक्सपोजर वंस ही हैज सेटिस्फाइड द मिनिमम डिपॉजिट विद द एक्सचेंज
इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट, यस और नो? मतलब कि ब्रोकर किसी भी अमाउंट का एक्सपोजर ले सकता है अगर वो नेटवर्थ, जो मिनिमम नेटवर्थ क्राइटेरिया है लिक्विड असेट्स का, वो फुलफिल कर देता है तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है. फॉर सपोज अगर उसने 300 लेख का मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, ठीक है, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा कि उसको सिर्फ 3 लाख रुपीस पे ही एक्सप्लोजर मिलेगा. अगर उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लोजर लेना है तो यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा फंड ऐड करना पड़ेगा. जितना ज्यादा वो फंड, मैक्सिमम फंड ऐड करेगा, उतना ज्यादा वो मैक्सिमम एक्सपोजर ले सकता है. तो जितना फंड उसके इक्विवेलेंट ही एक्सपोजर जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि मिनिमम नेटवर्थ उसने क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो उसको मैक्सिमम अमाउंट का या जितना वो चाहता है उतना ले सकता है. तो दिस इज फॉल्स, नो. नेक्स्ट, इन द डेरिवेटिव सेगमेंट वंस द इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द एक्सचेंज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. मतलब डेरिवेटिव सेगमेंट में एक बार इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट फिक्स कर दी जाती है तो वो पूरा, जब तक वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तब तक उसको चेंज नहीं किया जा सकता. तो आंसर इज फॉल्स. ये जो इनिशियल मार्जिन है, मैंने आपको बताया था कि डेली अपडेट किया जाता है एनएससी की साइट पे, nscindia.com ऑफिशियल एनएससी की, वहां पे डेली इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अपडेट किया जाता है. सिंपल है, अगर मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है तो मार्जिन्स जो रहते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, है ना, मार्जिन्स भी इंक्रीज हो जाते हैं. बिकॉज जो डे लो डे हाई, प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया जाता है इनिशियल मार्जिन. तो ये डेली अपडेट होता है. अगर मार्केट अप है, पॉजिटिव है, तो मार्जिन्स भी क्या होते हैं, नॉर्मलाइज रहते हैं, ज्यादा मार्जिन्स नहीं लगते. बट मार्केट जब नेगेटिव रहता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं इनिशियल मार्जिन को, और मार्जिन जो रहते हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं. मतलब जहां पे अगर 10% मार्जिन लग रहा होगा तो वहां पे आपको 15 to 20% पे करना होगा, और मे बी कुछ स्टॉक पे अराउंड 50% तक का भी मार्जिन रहता है जो ज्यादा वोलेटाइल रहते हैं. हम ये बोल सकते हैं कि वॉलेटिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इनिशियल मार्जिन. तो दिस इज, ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं होता है लाइफ टाइम में, वो डेली अपडेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑन द ऑक्शन डे देयर आर नो सेलर फॉर द पर्टिकुलर शॉर्ट डिलीवरी, व्हाट विल बी द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डू रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन? मतलब जिस दिन ऑक्शन डे रहता है, अगर उस दिन कोई सेलर नहीं है, है ना, तो जो डिलीवरी शॉर्टफॉल आया है उस केस में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करता है? ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देता है. वन मोर ऑक्शन इज हेल्ड द नेक्स्ट डे, द ट्रांजेक्शन इज एनुअल, द ट्रांजेक्शन इज क्लोज्ड आउट. सबसे पहले तो ऑक्शन का मतलब क्या होता है आप ये समझिए, ठीक है? ऑक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने स्टॉक बाय किया, ठीक है, हमने 100 क्वांटिटी बाय की, तो जिस भी पर्सन से हमने बाय की या भी सेल, जिसने भी सेल किया था 100 डिलीवरी की, अपनी डिलीवरी का, है ना, उसने डिलीवरी सेल की थी, तो ये क्या करता है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, मतलब जब 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है तो उस टाइम पे ये जो सेलर है जिसने सेल किया था, तो वो अपनी पोजीशन को वापिस कवर कर लेता है, अगेन एज अ बायर बन के वो बाय कर लेता है अपनी पोजीशन को. तो जो हमको मिलने वाली थी डिलीवरी वो हमको नहीं मिलती, उसको ऑक्शन बोलते हैं. हम इसको एक एक तरीके से और ले सकते हैं कि अगर डे में जो बाइंग की डिलीवरी गई है, मतलब जो टोटल बाय हुई है क्वांटिटीज, वो 1 लाख है ना, और जो सेल हुई है वो ओनली 50K, मतलब यहाँ पे 50K का शॉर्टफॉल आया है. मतलब जो 50,000 जो सेल की गई थी पोजीशन, वो वापिस से एट द क्लोजिंग ऑफ द डे कवर कर ली गई है, अगेन बाय कर ली गई है, तो 50,000 क्वांटिटी का शॉर्टेज आ गया है. तो ये जो शॉर्टेज रहता है ये ऑक्शन में जाता है, ठीक है? तो ये ऑक्शन में मतलब क्या, आपको जो डिलीवरी मिलने वाली थी वो डिलीवरी नहीं मिली. तो जिस दिन ऑक्शन डे रहता है, नेक्स्ट डे ऑक्शन डे रहता है, कि अगर जिस सेलर ने नहीं दी है पोजिशन, तो उसको पेनल्टी चार्ज करके
वहां से एडजस्टमेंट करते हैं, बट अगर वहां पर कोई भी सेलर क्रिएट नहीं होता है, कोई भी शॉर्ट डिलीवरी के लिए नहीं आता है, तो उस केस में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करता है? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ट्रांजेक्शन को क्लोज आउट कर देता है, और जो डिलीवरी के लिए पैसा उसने कलेक्ट किया था वो वापिस क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और यहाँ पे जो क्लाइंट के अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर होगा वो जो भी सेम डे ऑक्शन डे वाले दिन जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसके बेसिस पे, फॉर सपोज ये डिलीवर या आपने 1,000 रुपए पे बाय किया था, है ना, और 1,050 पे क्लोजिंग होता है ऑक्शन डे के दिन, तो आपको जो फंड रिसीव होगा वो 1,050 रुपीज के अकॉर्डिंग रिसीव होगा। तो इस तरीके से ऑक्शन वर्क करता है। अब ये सेलर के केस में भी होता है कि फॉर सपोज आपने सेल कर दिया, आपके पास डिलीवरी थी नहीं स्टॉक की, और फिर भी आपने सेल कर दिया तो भी ऑक्शन रहता है, तो वो हम आगे क्वेश्चन है उस पे भी तो उसमें समझेंगे, बट आई थिंक ये बाइंग ऑप्शन का आपको समझ में आया होगा। तो ट्रांजेक्शन को क्लोज आउट कर दिया जाता है, और क्लोज आउट किस रेट पे होता है? जो ऑक्शन डे का क्लोजिंग प्राइस रहता है उस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक नेटवर्थ क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर इज द सेम एज दैट ऑफ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। मतलब जो नेटवर्थ का जो क्राइटेरिया रहता है वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर के लिए सेम रहता है एज जितना कि ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर के लिए होता है, तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स के लिए क्राइटेरिया ट्रेडिंग होता है, और ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर के लिए क्राइटेरिया अलग रहता है। दोनों को नेटवर्थ अमाउंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पे करना पड़ता है, किसको? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू आर क्लियरिंग मेंबर। मिस्टर पी और मिस्टर क्यू क्या है? क्लियरिंग मेंबर है स्टॉक एक्सचेंज के। बोथ ऑफ हैव मेंटेन ₹7 करोड़। दोनों ने अपना जो नेट लिक्विड असेट मेंटेन किया हुआ है एक्सचेंज के पास में वो ₹7 करोड़ किया हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर एंड अदर असेट्स। बोथ हैव द सेम एक्सप्लोजर लिमिट ऑन अ डे वन। दोनों को डे वन पे सेम एक्सप्लोजर लिमिट मिलती है। बेस्ड ऑन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके बेस पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? मेन एग्जाम में देखिए आप लोगों को ना इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मिनिमम एक्सप्लोजर पॉसिबल फॉर द टू ब्रोकर मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द चेंज इन दोज असेट वैल्यूएशन इवन इफ दे डू नॉट विड्रॉल द असेट डिपॉजिट। मतलब जो मिनिमम एक्सप्लोजर पॉसिबल होगा दोनों ब्रोकर्स को, वो डिपेंड करेगा उनकी जो असेट वैल्यूएशन निकलती है कम या ज्यादा होगी टाइम टू टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा या कम हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन, द मिनिमम एक्सप्लोजर पॉसिबल फॉर द टू ब्रोकर विल रिमेन सेम फॉर एवर, हमेशा के लिए एक जैसा रहेगा, इवन वो कुछ डिपॉजिट विड्रॉ कर लेते हैं तो। द मिनिमम एक्सप्लोजर पॉसिबल फॉर द टू ब्रोकर रिमेन द सेम फॉर एवर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट विड्रॉल द असेट डिपॉजिट। मतलब जब तक कि वो असेट को विड्रॉ नहीं करते हैं तब तक वो रिमेन सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज पढ़नी है, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर का प्राइस क्या होता है? मूवमेंट होता है, वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, तो मे बी अप हो सकता है मे बी डाउन हो सकता है। आपके केस में एक्सप्लोजर इंक्रीज होगा, डाउन के केस में एक्सप्लोजर कम भी हो सकता है, तो जो भी असेट का वैल्यूएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग इनको मिस्टर पी और मिस्टर क्यू को एक्सप्लोजर मिलेगा। मे बी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट डे मिस्टर पी का जो कैश वैल्यूएशन इक्विटी वैल्यूएशन रहे वो बढ़ जाए, ये 7 करोड़ का 8 करोड़ हो जाए, और मिस्टर क्यू का कोई चेंज ना रहे, मूवमेंट ही नहीं रहे उनके इक्विटी शेयर्स में, तो उनका 7 करोड़। तो अब इस केस में एक्सप्लोजर किसको ज्यादा मिलेगा? मिस्टर पी को ज्यादा मिलेगा क्योंकि उनका नेटवर्थ अमाउंट ज्यादा है, तो जो भी असेट वैल्यूएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लोजर मिलेगा, है ना। और यहाँ पे ये भी है कि इफ दे डू नॉट विड्रॉल द असेट डिपॉजिट, अगर वो उस असेट में से विड्रॉल नहीं करते हैं तो, अगर विड्रॉल करते हैं तो भी कम या ज्यादा हो जाएगा, और टाइम टू टाइम चेंज होगा जैसा उनका असेट का वैल्यूएशन चलता है। तो फॉर सपोज उन्होंने बॉन्ड्स दे रखे हैं और बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो उस केस में भी जो उनको एक्सपोजर मिलना होगा वो कम हो जाएगा, तो इस तरीके से डिफर करेगा टाइम टू टाइम।
सो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्शन प्रीमियम इज अफेक्टेड बाय द डिफरेंस इन द एक्सरसाइज प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस. जो ऑप्शन प्रीमियम रहती है वो अफेक्ट होती है जो भी डिफरेंस रहता है एक्सरसाइज प्राइस और स्पॉट प्राइस का उसके अकॉर्डिंग. तो दिस इज ट्रू और फॉल्स. तो दिस वन इज ट्रू. कैसे ट्रू है? क्योंकि हमने इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी इन तीनों का फॉर्मूला पढ़ा है. तो इन तीनों का फॉर्मूला अगर फॉर सपोज ये पुट के लिए है, राइट, कॉल के लिए लिया जाए तो ये है ना. तो ये क्यों डिफरेंस हम निकालते हैं, मतलब इन द मनी में जितना कम डिफरेंस होता है, जितना कम डिफरेंस रहेगा, जितना कम गैप रहेगा, उतनी ज्यादा प्रीमियम क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है ना. और अगर इन द मनी की कंडीशन कंप्लीट इन द मनी की कंडीशन आती है तो प्रीमियम और इंक्रीज हो जाती है. उसी तरीके से ओटीएम का भी रहता है, जितना ज्यादा जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाता है, जितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा प्रीमियम की प्राइस क्या होता है, कम होता चला जाता है, या जितना ज्यादा कम होता चला जाएगा गैप कम होगा, गैप डिक्रीज होगा, उतना ज्यादा प्रीमियम क्या होगी, इंक्रीज होगी. और एट द मनी में तो इक्विवेलेंट कंडीशन आती है तो बहुत रेयर आ पाती है वाली कंडीशन, बट ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी. तो आंसर इज ट्रू. वो जो डिफरेंस रहता है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन की प्रीमियम को अफेक्ट करता है, मे बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन और मे बी इन नेगेटिव डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेरिवेटिव एक्सचेंज द एक्सपोजर अमाउंट पॉसिबल फॉर ईच मेंबर ब्रोकर इज लिंक्ड टू द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मार्जिन कैप बाय द मेंबर विद द क्लियरिंग हाउस. जो एक्सपोजर रहता है डेरिवेटिव एक्सचेंज में वो डायरेक्टली किससे लिंक होता है, जो भी अमाउंट वो डिपॉजिट करते हैं क्लियरिंग हाउस में, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास. आंसर इज ट्रू. हमने इससे पहले ही एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि हमने एक्सपोजर डिसाइड करा था मिस्टर पी और मिस्टर क्यू का, तो वो किसके बेसिस पे, उन्होंने जो नेटवर्थ दिया हुआ है उसके बेसिस पे, राइट. तो वो जितना भी डिपॉजिट करते हैं अमाउंट उस पे ही एक्सपोजर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरेन एक्सचेंज कैन बी पार्ट ऑफ लिक्विड असेट. फॉरेन एक्सचेंज जो है वो लिक्विड असेट के पार्ट होते हैं. फॉल्स. आंसर इज फॉल्स. फॉरेन एक्सचेंज लिक्विड असेट में नहीं आते. लिक्विड असेट में कौन कौन आते हैं, बैंक, बैंक गारंटी आती है, कैश आता है और कैश इक्विवेलेंट आता है, इक्विटी आती है, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, ये सब लिक्विड असेट्स में आते हैं, बट फॉरेन एक्सचेंज लिक्विड असेट में नहीं आता है. नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्जिन अकाउंट व्हाट विल बी डन इफ द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस. अगर मार्जिन अकाउंट के रिस्पेक्ट में फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होगा. तो यहाँ पर दो कंडीशन क्रिएट होंगी, ठीक है. अगर बायर है और प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट कंडीशन क्रिएट हो रही है. अगर सेलर है, ठीक है, और प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि लॉस कंडीशन क्रिएट हो रही है. तो पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं. द मार्जिन अकाउंट ऑफ द सेलर ऑफ द फ्यूचर विल बी डेबिटेड फॉर द गेन. अभी जो सेलर का अकाउंट रहेगा मार्जिन अकाउंट, उसमें से डेबिट कर लिया जाएगा गेन. तो गेन डेबिट नहीं होगा, क्या डेबिट होगा यहाँ पर, लॉस, राइट. तो स्टेटमेंट रॉन्ग है. सेंटेंस सही है, डेबिट सही है, बट स्टेटमेंट रॉन्ग है, लॉस डेबिट होगा वहां से. द मार्जिन अकाउंट ऑफ द बायर ऑफ द फ्यूचर विल बी क्रेडिटेड फॉर गेन. मतलब कि जो भी मार्जिन अकाउंट रहेगा बायर का, उसमें गेन को क्रेडिट कर दिया जाएगा, प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया जाएगा. तो ये वाला स्टेटमेंट करंट है. मोस्ट प्रोबेबली क्या टिक करके आएंगे, बोथ वन एंड टू, क्योंकि यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, मतलब दोनों सही है, बट यहाँ पर ये गेन रॉन्ग यूज किया गया है. लॉस होता तो देन आंसर होता बोथ वन एंड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु प्रोवाइड टू वे कोट्स फॉर वेरियस स्टॉक इज नोन एज. जो टू वे कोट प्रोवाइड करता है, टू वे कोट मतलब
यहाँ पे टू वे स्कोर का मतलब क्या हो गया, बाय प्राइस और सेल प्राइस। तो जो ये प्रोवाइड करता है उसको क्या बोला जाता है, मार्केट मेकर बोला जाता है या फिर पार्टिसिपेंट बोला जाता है, मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ब्रोकर डीलर आर एक्सपेक्टेड टू नो देयर क्लाइंट एंड टू एक्सरसाइज केयर एट द श्योर दैट द डेरिवेटिव प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड बाय देम टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट इज सुटेबल टू हिज अंडरस्टैंडिंग एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। मतलब कि जो डेरिवेटिव ब्रोकर्स होते हैं उनको अपने क्लाइंट नो देयर क्लाइंट, उनको उनके क्लाइंट के बारे में पता होना चाहिए कि वो जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लाइक वो अगर डेरिवेटिव प्रोडक्ट उनको बेच रहे हैं तो वो प्रोडक्ट उनके लिए सुटेबल है या नहीं, और उतनी उनके पास में फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज है या नहीं है कि जो रिस्क आने वाला है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो पर्टिकुलर क्लाइंट उस रिस्क को बियर कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इन द पोर्शन ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम दैट इज लिंक्ड टू द अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट टिल द एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट दैट द अंडरलाइन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम मे चेंज ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब जो टाइम वैल्यू होती है ऑप्शन प्रीमियम की, अभी सबसे फर्स्ट तो जो ऑप्शन प्रीमियम रहती है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। और हमने एक चीज पढ़ी कि जितना ज्यादा टाइम टू एक्सपायरेशन रहता है उतनी ज्यादा टाइम वैल्यू रहती है। जितना ज्यादा टाइम रहेगा एक्सपायरेशन को आने में उतना ज्यादा टाइम वैल्यू रहेगी, जितना कम एक्सपायरेशन में टाइम रहेगा उतनी कम टाइम वैल्यू रहती है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये टाइम टू एक्सपायरेशन के। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो लिंक्ड होता है अमाउंट टाइम टू मतलब टाइम लेफ्ट टिल एक्सपायरी वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है, और ये उस टाइम पे जो भी अंडरलाइन कंपोनेंट है तो वो वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होती है, चेंज हो सकती है ना, बिकॉज ऑफ चेंज इन टाइम वैल्यू। तो आंसर इज ट्रू कि हाँ, वो जो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट टर्म रहती है उसके अंदर जो टाइम वैल्यू रहती है वो मूव करती है अप और डाउन साइड। इंट्रेंसिक वैल्यू जो रहती है वो इन द मनी के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अगर ऑप्शन जो है वो इन द मनी में है तो हम इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ओटीएम या एटीएम का प्रीमियम है तो देन वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम वैल्यू पे। और जो अप एंड डाउन आ रहे हैं मार्केट में वो टाइम वैल्यू को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, प्लस जो टाइम टू एक्सपायरेशन रहता है वो भी टाइम वैल्यू को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। दैट्स व्हाई आंसर इज ट्रू कि वो चेंज हो सकती है ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोर्टफोलियो ऑफ 25 लाख, बीटा इज 1.20, कंप्लीट हेज। हेज का फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। हेज का फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो वैल्यू इंटू बीटा। तो 25 लाख इंटू 1.20, ठीक है। तो ये आपका अराउंड आएगा 12 से 25 करेंगे तो 300, तो 30 लैक्स के अराउंड आपका आएगा। कि आप अगर सेलिंग करते हैं निफ्टी फ्यूचर में 30 लैक्स का तो वो एक कंप्लीट हैज क्रिएट करेगा। मिस्टर गौतम हैज सोल्ड अ पुट ऑप्शन। मिस्टर गौतम ने क्या करा है, पुट ऑप्शन को सेल किया है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कितनी है उनकी, 650 रुपीज की है। प्रीमियम उनको कितनी चार्ज हुई है, 60 रुपीज चार्ज हुई है। मतलब ये रिसीव किया है उन्होंने, प्रीमियम प्रीमियम रिसीव हुई है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम गेन पर शेयर दैट ही मे हैव ऑन एक्सपायरी ऑफ दिस पोजीशन। तो उनको मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है, तो हमने सेलर के लिए मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना पड़ा था, जितना उसने प्रीमियम रिसीव करा है उतना वो गेन कर सकता है। तो दैट मीन्स मैक्सिमम गेन उसके लिए कितना हो जाएगा, 60 रुपीज का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट गोज डाउन द मार्जिन अकाउंट ऑफ द बायर ऑफ दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डेबिटेड फॉर द लॉस। अगर
जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो नेगेटिव मूव करता है, तो जो बायर का मार्जिन अकाउंट है वो डेबिट होगा फॉर लॉस। तो स्टेटमेंट इज ट्रू, यस, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो बायर के लिए लॉस कंडीशन क्रिएट होगी, है ना, क्योंकि बायर ने क्यों बाय किया है कि मार्केट अप जाना चाहिए, बट मार्केट नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस जो लॉस है वो डेबिट हो जाएगा, जो कि हम उसको क्या बोलते हैं, मार्क टू मार्केट, जो डेली बेसिस पे लिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री कॉल सीरीज ऑफ द सेम स्ट्राइक कोटेड आर कोटेड आर कोटेड आर कोटेड आर कोटेड, विच विल हैव द लोएस्ट ऑप्शन प्रीमियम। इन तीनों में से सबसे लोएस्ट ऑप्शन प्रीमियम किसकी रहेगी? ओके, सो जिसकी सबसे जो दूर की एक्सपायरी रहेगी उसकी सबसे ज्यादा प्रीमियम होगी, जिसकी सबसे नजदीक की एक्सपायरी रहेगी उसकी सबसे कम प्रीमियम होगी। तो ऑब्वियस है सबसे फर्स्ट एक्सपायर कौन होगा? जून कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए सबसे लोएस्ट प्रीमियम जून की। अगर यहाँ पे लोएस्ट की जगह हाईएस्ट ऑप्शन प्रीमियम पूछ लिया होता तो फिर हम अगस्त कॉन्ट्रैक्ट पे टिक करते, अगस्त हमारा आंसर होता, बट लोएस्ट पूछा है तो जो सबसे ज्यादा नजदीक का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी सबसे कम प्रीमियम होगी एज कंपेरेबल टू अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, या जो दूर का कॉन्ट्रैक्ट है उसके कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टॉक प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड इंक्रीजेस बाय 2, द डेल्टा ऑफ इट्स ऑप्शन इज 0.5, देन बाय हाउ मच विल द ऑप्शन प्राइस राइज। तो यहाँ पे उन्होंने प्राइस चेंज आ रहा है, जो स्टॉक के प्राइस में चेंज आ रहा है वो 2 रुपीज से चेंज आ रहा है पर शेयर पे, और जो उसका डेल्टा है वो 0.5 का डेल्टा है, तो प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, या फिर कितना प्राइस ऑप्शन प्रीमियम का राइज होगा? तो ये हम कैसे निकालेंगे? सबसे फर्स्ट हमको डेल्टा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो चेंज इन प्रीमियम होल अपॉन में चेंज इन अंडरलाइन, यूनिट चेंज इन अंडरलाइन रहता है एक्चुअल फॉर्मूला, राइट। तो डेल्टा हमको कितना दे रखा है? 0.5। चेंज इन प्रीमियम हमको फाइंड आउट करना है, एंड चेंज इन अंडरलाइन कितना दे रखा है? 2। तो ये इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यहां से हम चेंज इन प्रीमियम निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 1, आंसर इज 1 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सेबी रूल अ स्टॉक ब्रोकर कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेरिवेटिव सेगमेंट इफ, ऐसा क्या स्टॉक ब्रोकर करेगा जिसके कारण कि वो डेरिवेटिव सेगमेंट से सस्पेंड हो सकता है सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग? ही वायलेट द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की कंडीशन में कुछ झोल कर देता है तो ही इज सस्पेंडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज से ही सस्पेंड हो जाता है तो भी यहाँ पे सस्पेंड हो सकता है सेबी के रजिस्ट्रेशन से। ही फेल टू पे द फीस, अगर फी पे करने में फेल होता है तो भी वो सस्पेंड हो सकता है, तो आंसर इज एनी ऑफ द अबव। मेन जो पेनल्टी और सस्पेंशन के टर्म्स एंड कंडीशन है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 1992, जो एलसी गुप्ता की जो रिकमेंडेशंस दी हुई है उनके अकॉर्डिंग, तो वो ये कुछ रिकमेंडेशन है। द फर्स्ट वन इज द स्टॉक ब्रोकर वॉयलेट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अगर जो एक्ट में रिकमेंडेशंस दी है उनको वॉयलेट करता है देन वो सस्पेंड या पेनल्टी चार्ज हो सकती है। अगर वो जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स है उनको फॉलो नहीं करता है तो सस्पेंशन हो सकता है। अगर वो इन्वेस्टर की कोई भी कंप्लेंट है उसको 24 आवर्स में रिजॉल्व करने में फेल होता है तो भी वो सस्पेंड हो सकता है। मैनिपुलेट करता है प्राइस में, कुछ झोल करता है मार्केट में, कुछ झोल करता है तो देन ओनली कि सस्पेंशन हो सकता है। अगर स्टॉक ब्रोकर जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को डिटेरियोरेट सब्सिक्वेंटली करता है, मतलब कि अपने हिसाब से फेर बदल करता है तो भी वो सस्पेंड हो सकता है। तो स्टॉक ब्रोकर फेल टू पे फी, अगर फी पे करने में फेल होता है तो सस्पेंड हो सकता है, पेनल्टी चार्ज हो सकती है, या फिर कोई रजिस्ट्रेशन की कंडीशन में झोल करता है तो हो सकता है सस्पेंड, या फिर स्टॉक एक्सचेंज से सस्पेंड हो जाता है तो भी वो
उसको पेनल्टी या सस्पेंशन लगता है. मोस्ट प्रोबेबल सस्पेंशंस कम होते हैं, पेनल्टी चार्ज लेके से भी उनको मामले को रफा दफा कर देते हैं. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड असेट व्हिच आर टू बी मेंटेन बाय द क्लियरिंग मेंबर विद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कैन इंक्लूड गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी आफ्टर अप्लाइंग स्टैंडर्ड 20% हेयर कट. मतलब जो लिक्विड असेट जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास क्लियरिंग मेंबर रखता है उसमें गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी भी दे सकता है एज अ लिक्विड असेट आफ्टर अप्लाइंग द 20% ऑफ हेयर कट. मतलब उसमें 20% हेयर कट करने के बाद में गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी भी वो दे सकता है. तो आंसर इज फॉल्स. वो जो गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी है वो इसमें नहीं जाती, उस पे जो कंडीशन सेट होती है वो अराउंड ज्यादा की कंडीशन सेट होती है नॉन कैश कंपोनेंट्स पे 50%, बट गोल्ड सिल्वर पे ऐसा ज्वेलरी पे कुछ नहीं है कि 20% कट करके आप कोलैटरल्स ले सकते हो. तो दिस इज फॉल्स. यहाँ पे हम कुछ पढ़ लेते हैं जो कि बेसिक कंपोनेंट्स है. कैश कंपोनेंट जो मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइक कैश, बैंक डिपॉजिट, एफडीज दे सकते हो आप, बैंक गारंटीज दे सकते हो, है ना, जो कि बैंक्स अप्रूव करती हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के फेवर में. ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे सकते हो आप, टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स दे सकते हो, और लाइक आप यूनिट ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स मतलब जो म्यूचुअल फंड्स गिल्ड्स फंड होते हैं वो भी आप एज अ लिक्विड असेट दे सकते हो, बट उसमें 10% का हेयर कट होगा. ठीक है, देन नॉन कैश कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं. तो फर्स्ट वन इज लिक्विड ग्रुप ए, जिसमें कि इक्विटी शेयर आता है एज पर द कैपिटल मार्केट सेगमेंट. तो ये क्या होता है, डेली बेसिस पे इनका असेट वैल्यूएशन होता है एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ब्रोकर है या जो भी टीएम है या क्लियरिंग मेंबर है उसको एक्सपोजर प्रोवाइड करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, है ना. और ये जो लिक्विड इक्विटी शेयर्स हैं तो वो किसके द्वारा स्पेसिफाइड होते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. टाइम टू टाइम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उनको क्या करता है, चेक करता है, और जो भी कस्टोडियन पार्टी है मतलब जिसके पास वो सेफ गार्ड किए हुए हैं इक्विटी शेयर्स, उनसे वो क्या करता है, डे बाय डे पीरियोडिकली उनसे ऑडिटिंग करता है या फिर चेकआउट करता है. देन म्यूचुअल फंड यूनिट्स अदर देन दोस लिस्टेड अंडर द कैश कंपोनेंट डिसाइडेड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपॉजिट विद अप्रूव्ड कस्टोडियन. जो अप्रूव्ड कस्टोडियंस होते हैं उनसे ये एज अ डिपॉजिट ले लेता है म्यूचुअल फंड्स को भी अदर देन दिस. लाइक म्यूचुअल फंड कौन कौन से हो गए, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इज डिफरेंट, गिल्ड फंड इज ऑल्सो डिफरेंट, बट यहाँ पे कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं आया, जो इक्विटी फंड्स होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, डेप्थ फंड होते हैं, तो वो सब भी हम एज अ कैश कंपोनेंट या नॉन कैश कंपोनेंट एज अ लिक्विड असेट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं. बट वो कौन डिसाइड करेगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डिसाइड करेगा कि उनको वो लेना है या नहीं लेना है. जैसे रिसेंटली अभी म्यूचुअल फंड्स का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने मना कर दिया था कि हम एज अ लिक्विड असेट म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर नहीं करेंगे. तो मार्केट में एक फॉल आया था, करेक्शन हुआ था मार्केट में, बिकॉज ब्रोकर की पोजीशंस जो थी जिन्होंने एज अ लिक्विड असेट प्रोवाइड किए हुए थे वो पोजीशंस कट हो गई थी, बिकॉज यहाँ से उनका एक्सपोजर कम हो गया था. तो ये सारे जो मेन कंपोनेंट्स हैं आप प्लीज इनको नोट करके रख लीजिए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिविजन ये आपके काम आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर प्रशांत हैज बॉट वन लॉट एबीसी फ्यूचर फॉर ₹75. लॉट साइज इज 2000. तो सबसे फर्स्ट हम लॉट साइज लिख लेते हैं, 2000 का लॉट साइज है ना. बॉट किया है मतलब बाय किया है उन्होंने कितने प्राइस पे, 75 के प्राइस पे. एक्सपेक्टिंग दैट दिस शेयर विल गो अप, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर जो है वो ऊपर जाएगा, बट ही ऑल्सो वॉन्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट एनी लॉस, और वो अपने आप को लॉस से भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. मोर देन ₹3000 कुछ ना, 3000 से ज्यादा का वो लॉस नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम उनकी रिस्क लिमिट है. तो व्हाट शुड ही डू, अभी यहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, देन ऑब्वियस वो यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉप लॉस हम लोअर लिमिट पे लगाते हैं. और ये स्टॉप लॉस क्या करता है, अगर मार्केट फॉल होता है नीचे की तरफ जाता है और आपने बाय किया है, तो एक पॉइंट पे वो पोजीशन को
ऑटो स्क्वेयर ऑफ कर देगा, वो पोजीशन के नीचे आपकी पोजीशन कैरी नहीं रहेगी, कट हो जाएगी, सेल हो जाएगी यहाँ पर पोजीशन, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले उनका बियरिंग कैपेसिटी कितना है, 3000 का है, और टोटल क्वांटिटी उनको कितना लेना है, 2000। तो 2000 हम पहले पर शेयर का उनका बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पर निकालेंगे कि पर शेयर वो कितना लॉस बियर कर सकते हैं, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 1.5, मतलब 1.5 रुपए तक का वो लॉस बियर कर सकते हैं। तो 75 पे उन्होंने बाय किया था, यहाँ से 1.5 रुपए नीचे आता है तो ठीक है, बट 1.5 रुपए के ज्यादा नीचे जाएगा तो वो ये लॉस बियर नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 75 माइनस 1.5, मतलब कितना हो जाएगा, 73.5। मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस पुट करना पड़ेगा किस प्राइस पे, 73.5 के प्राइस पे। तो पुट अ स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर ऑफ 74, तो ये वाला तो नहीं है, देन पुट ऑर्डर स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर ऑफ 73.5। इससे को जस्ट 1 रुपया अबव का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने बाय किया है तो स्टॉप लॉस जो लगेगा वो इस बाय रेट के बिलो लगेगा, ऑलवेज स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बाय प्राइस से छोटा रहेगा। और अगर सेल किया है तो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सेल प्राइस से बड़ा रहेगा, ऊपर के लेवल में, मतलब जहां पे हमारी लॉस कंडीशन बनती है वहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। वहां पे हम हमारे लॉस को क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। प्लस सेम बाय के लिए जहां पे भी हमारी लॉस कंडीशन क्रिएट हो रही है, डाउन साइड में लॉस कंडीशन क्रिएट होगी, तो हम इस लॉस को क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि इससे नीचे लॉस नहीं जाना चाहिए। तो ऑलवेज ध्यान रखना, अगर बाय है तो माइनस करोगे, अगर सेल है तो प्लस करोगे पोजीशन को। तो 73.5 पे स्टॉप लॉस वो पुट करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्चुअली ये वाला जो मॉक टेस्ट था ये अच्छा था, इसकी लैंग्वेज भी अच्छी थी, और इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, थोड़े घुमा फिरा के आते हैं, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड अगर आपको, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए, सो दैट कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी अपलोड करूँ तो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।